शेख साहब कहाँ हैं? प्रभात जी की संध्या है, मृदंग जी की बांसुरी है, तरंग जी की उमंग है, नटखट जी की खटपट है, सटपट जी की चटपट है, चौबे जी का चिट्टा है, पंडित जी का पोता है। ये सब पढ़ चुके हैं। तो इंसानियत शैतान ले जाइए, भागता भूत ले जाइए, हड्डियों का हार ले जाइए, कंका ले जाइए, मरकट ले जाइए। भाई माफ कीजिए, हमारी सहेली का दिल बहुत नाजुक है, देखिए ना ये सुनते ही धड़कने लगा होगा। चल हट। तो पहला मिलन देखिए, सुनहरे सपने उनकी आंखें देखिए, मेरा दिल देखिए, ये सब देखे हुए हैं। तो फिर क्या चीज दिखाऊं आपको? जो ना देखी हो। मालूम होता है कि हमारी दुकान में कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आपने ना देखा हो। जी जी जी, मेरा मतलब भी कहने का ये है, ऐसी कोई किताब नहीं जिसको आपने ना पढ़ा हो। मालूम ऐसा ही होता है। चल रानी। माफ कीजिए साहब, आप बड़ी देर से खड़े हुए हैं, मैं जरा। कोई बात नहीं, लेडीज फर्स्ट। जी हाँ, जमाना भी यही चाहता है। हाँ, और फरमाइए आपको क्या चाहिए? जी मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी? नौकरी नौकरी नौकरी? अरे भाई, नौकरी नाम की कोई किताब हमारे पास नहीं है। जी नहीं, मेरा मतलब है कि आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख ले। नहीं 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 नहीं, कोई जगह खाली नहीं। मैं हर काम कर सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बीए पास हूँ, और फिर मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं। तो जाओ भीख मांगो। भीख? हाँ भीख। भीख मांगने के लिए कोई हजारों रुपए पढ़ाई लिखाई में बर्बाद नहीं करता, भीख तो यूं ही मिल जाती है। बेकार सर खाते हो, ये कोई प्लेटफॉर्म या स्टेज नहीं है, किताबों की दुकान है, जाओ रास्ता नापो। है चले आए नौकरी मांगने। शायद ये आपका पर्स? जी मैं जल्दी में भूल आई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं, मैं आपका ये सब कहने की जरूरत नहीं, मैंने वही किया है जो कि इंसान को करना चाहिए। अच्छा नमस्ते। जरा सुनिए। फरमाइए। ये ये क्या? इसमें 1,500 रुपए रखे थे। तो क्या हुआ? आपको रुपये देना चाहिए ना? जी नहीं, बस आपके थी और रुपये भी आपके। शुक्रिया। अजीब आदमी है, बहुत शरीफ आदमी मालूम होता है, लेकिन ये तुम्हें मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा है? आवाज दो। नहीं दवा लेकर आ रहा होगा, ईश्वर के बाद मेरा तो वही एक सहारा है। आज कैसी तबीयत है? बेटा बेटा, पहले मुझे ये तो पता, तुझे कहीं नौकरी मिली? हाँ माँ, मिल गई। सच? बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है, इसीलिए तो इतनी देर हो गई। आखिर ईश्वर ने मेरी पुकार सुनी थी। ईश्वर? लेकिन माँ, मैं दवा नहीं ला सका। मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी, तुझे नौकरी मिली, मुझे सब कुछ मिला। दिन रात की भूख से तो। माँ तुमने कुछ खाया? बेटा मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो बेटा हाथ मुंह धो लो, खा लो। अच्छा। कितनी तनख्वाह मिलेगी बेटा? तुम्हें कहो माँ, तुम्हारे बेटे को कितनी मिलनी चाहिए? मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, कम से कम 100 तो मिलना ही चाहिए। 100 की नौकरी मिल गई है माँ। 100 रुपया? अरे खड़ी क्या है, जरा भगवान के सामने घी का दिया तो जला दे। मेरे बेटे को नौकरी मिली है,
सौ रुपया माहवार। हेलो रसिक। हेलो हेलो। फिर तुमने मुझे रसिका, फिर तुमने मुझे रसिका। मेरा नाम है रसिक लाल मेहता, BA LLB बारटला। हाँ रसिक, ये भी कहती है रसिया। रसिक फिर रसिका, फिर तुमने रसिका। साधना साधना, तुमने मुझे रसिका। हाँ? तुमने। हाँ रसिक। एक बार फिर कहो। अच्छा रसिक। आए आए दीदी, इन्हें रसिकला कहना इन्हें। अरे वो तुम नहीं कह सकती हो, ये तो कभी भी कह सकती है, कभी भी कह सकती है। एक बार फिर कहो रसिक। हाय। लेकिन ये तुम किताबें लादे हुए कहाँ जा रहे थे? साधना देवी, वकील बनना एक जिम्मेदारी का काम है। देखो ना, आज एक को फांसी से छुड़ाना है। आज तक कितने आदमियों को फांसी चढ़ा चुके हैं? अब तक तो किसी को नहीं चढ़ाया हूँ, अगर बस चले तो तुम्हें फांसी पे जरूर चढ़ाऊ। साधना देवी, 420 किताब पढ़ा हूँ, कानून का एक नुक्ता भी नहीं मिलता। 840 पढ़ोगे तो जरूर मिल जाए। फिर बीच में बोली, फिर बीच में बोली। अरे परमात्मा, बीच में ना बोल, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अब क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? कोई सपने की बात। हाँ हाँ हा, देखो दिल मिला हुआ है तो बात भी मिल जाती है। मैं, मेरा मतलब है कि आज दिन को, आज आज दिन तुम्हारा मतलब रात? हाँ रात को। आज रात को मैंने एक सपना देखा। सपना तो तुम रोज ही देखते रहते हो। अरे रोज देखूं या एक एक घंटे के बाद देखूं, तुम्हें इससे क्या? साधना मैंने सचमुच सपना देखा। लेकिन कितने बजे? मैं सपना देख रहा था, मैं सपना देख रहा था, वक्त नहीं देख रहा था। साधना मैंने सपने में तुमको देखा। मुझे? रसिक बाबू, कभी तो मुझे भी अपने सपने में देखा कीजिए। जब पागल हो जाऊंगा तुम्हें जरूर देखूंगा। अब तो जाओ, अब तो जाओ, मौत की तरह क्यों पीछे लगी हुई हो मेरे? तुम जानती हो साधना मैंने सपने में क्या देखा? मुझे 104 बुखार, मैं पलंग पे सोया हुआ, तू बर्फ की थैली ले रहे आ रही है। अच्छा रसिक, मुझे जाना है, तुम ये सपना रानी को सुना। रानी को कैसे सुना सकता हूँ साधना? लेकिन मैं भी ऐसे सपने नहीं सुनती। चलो साधना। तुम्हें कौन सुनाता? तो साधना की तू ले जा रही हो। अरे तुलो तो, ये जब भी आती है मेरा सपना वही का वही रह जाता है। पिताजी, पिताजी। आप अक्सर कहा करते हैं ना कि दुनिया में सभी गरीब, चोर, डाकू और बेईमान हुआ करते हैं। लेकिन आज का किस्सा सुनकर आपको अपना विचार बदल देना पड़ेगा। मैं अपना पर्स एक दुकान में भूलकर चली आई और जैसे ही मैं कार स्टार्ट कर रही थी, एक गरीब मगर ईमानदार आदमी ने मुझे पर्स लाकर दे दिया। वो बेहद परेशान दिखाई पड़ता था। अगर वो चाहता तो 1500 रुपये अपने पास रख लेता, मगर उसने अपना धर्म और विश्वास कायम रखा। 100 में एक दो आदमी ऐसे निकल सकते हैं, लेकिन आमतौर से देखा जाए तो गरीब और बेकार लोग अक्सर चोर और डाकू होते हैं, क्योंकि उनकी गरीबी और बेकारी ही उन्हें गुनाह करने पर मजबूर। साधना, क्यों अपने पिताजी से दूसरों के लिए झगड़ रही है? जा सरजू को चाय लाने के लिए कहे, और रसिकलाल भी आए हैं। अच्छा जी पिताजी, फिर भी इस बात पर ठंडे दिल से गौर। कैसे जाऊं? आज फिर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है। तुझे जाना ही पड़ेगा मेरे बच्चे, नई नौकरी है। नई नौकरी? नई नौकरी है तो क्या हुआ? आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन मेरी माँ तुमसे दोबारा नहीं मिलेगी। तू मेरी फिक्र मत कर मेरे लाल, लेकिन मेरे भगवान देखभाल करेगा। मेरा मन नहीं चाहता। मेरे बच्चे तू जा काम पर, मेरे बाप। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? गंगा बहन आती होगी, तू जा मेरे बच्चे। भगवान तेरी देखभाल करेगा। गंगा माँ, आज फिर तबीयत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा था कि जल्द ही पंचकनी के अस्पताल में ले जाओ, नहीं तुम्हारे से हाथ धो बैठो। तो बेटा किसी न किसी तरह ले जाओ। ले तो जाओ, लेकिन लेकिन। अरे तुम अपना दुख बताकर मालिक से 50 रुपया पेशगी ले लो, टिकट और खर्च के लिए काफी होंगे। मैं साथ चली जाऊंगी ताकि तुम अपनी नौकरी करते रहो।
चुप क्यों हो गए? क्या वो रुपया नहीं देंगे? नहीं। क्यों नहीं देंगे? अच्छा तो तुम तैयार होकर स्टेशन पहुंच जाओ, मैं भी पैसे लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा जी, बात यह है कि मुझे 50 रुपए की जरूरत है। 50 रुपया? ऐसा बोलो ना बाबू। आओ बाबू जी, अंदर आओ, आओ बैठो बैठो, आओ। अच्छा भाई साहब, तो बोलो क्या रहने रखोगे? जी जमानत तो है, अगर आप समझ सकें तो। किस चीज की बोलो? मेरी जुबान की, मेरी इज्जत की। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके रुपए एक महीने में किसी ना किसी तरह जरूर लौटा दूंगा। अरे बाबा जा, तेरी इज्जत तेरी जुबान, तू जैसे कंगाल की इज्जत और जुबान। अरे जा बाबा जा। आजकल का जमाना तो सोना चांदी हीरा जवाहरात का है, पुकड़ में पैसा कौन देता लेने को आया। चल चलो यहाँ से चलो। तो तुम्हारा मतलब है दुनिया में गरीबों की कोई इज्जत नहीं? नहीं। उनकी बात की कोई कीमत नहीं? नहीं। उनके वादों पर कोई भरोसा नहीं? नहीं। नहीं सुना, चल यहाँ से भिखारी कहीं के। काश तुम्हारी मामा रही होती और उसकी जिंदगी खरीदने के लिए तुम्हें भी 50 रुपयों की जरूरत पड़ जाती। जरूरत पड़ जाती तो जाओ भीख मांगो जी। अगर कोई भीख ना दे तो? भीख ना दे तो चोरी करो, डाका डालो, किसी का भी खीसा काटो। जवान हो, अट्टे कट्टे हो, किसी से भी छीन सकते हो। चल यहाँ से भिखारी कहीं का, जाओ। शायद आप ठीक कहते हैं। गंगा माँ, आज फिर तबियत जरा खराब। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा था कि जल्द ही पंचकनी के अस्पताल में ले जाओ, नहीं तो माँ से हाथ धो बैठो। नहीं नहीं, मेरी माँ दुनिया में मेरा एक ही सहारा है, लेकिन 50 रुपए कहाँ से लाओ? देख ना देता चोरी करो, डाका डालो, किसी का भी खीसा काटो। जवान हो, अट्टे कट्टे हो, किसी से भी छीन सकते हो। चल यहाँ से बिगाड़ी कर का, जा। छीन सकता हूं, किसी से भी छीन सकता हूं। ये लो गंगा मां, 2 टिकट और बाकी के रुपए खर्चे के लिए। बेटा खत लिखना अस्पताल के पते पर। अच्छा मां। मेरे बच्चे नौकरी जी लगा कर करना, बड़ी मुश्किल से आया है ये समय मेरे बच्चे के तुम नौकर हो गए हो। बेटा तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मैं भागा भागा आ रहा था ना, सोचा कहीं गाड़ी ना छूट जाए। ठीक है। अच्छा बेटा तबीयत बहुत संभालना। अच्छा खत जरूर लिखना बेटा, भूलना नहीं, नौकरी पर बराबर जाना। गाड़ी की क्या जरूरत? बस खुद ही पुलिस चौकी पर जा रहा। चोरी और सीना चोरी? मैंने चोरी नहीं की, मुझे 50 रुपए की जरूरत थी, मैंने छीन लिया। सिर्फ 50 रुपए नहीं, आपने सर चंदनबल का खून भी किया है। खून? मैंने? हाँ खून। पिताजी हम भी चलेंगे। कहाँ? आज गरीबी और गुनाह पर लेक्चर होने वाला है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, आप हमें रास्ते में छोड़ते जाइएगा। नहीं बेटा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं खून का मुकदमे में फंसा हूँ। साधना जी, माता जी। देख बेटा रसिक आए हैं, तू उनसे बातें कर, मैं पूजा करके अभी आती हूँ। जा तू जा। मैं क्यों जाऊँ? बैठा तो तुम्हारे लिए है, तुम जाओ। अजीब बेशर्म आदमी है ये, जब देखो मौजूद। कमबख्त रोज कोई सपना देख लेता है तो घंटों तक सुनाने बैठ जाता है। मैं तो बाज आई इससे। क्यों नहीं, शायद आज तक उस पर्स वाले साहब की याद आते ही तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता होगा। धक 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 धक। कोई दिल ले गया, दिल ले गया, दिल ले गया।
जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई दिल ले गया जी कोई दिल ले गया। जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई दिल ले गया जी कोई दिल ले गया। दिल ले गया जी कोई दिल ले गया, दिल ले गया। जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई दिल ले गया जी कोई दिल ले गया। दिल ले गया जी कोई दिल ले गया, दिल ले गया। जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई दिल ले गया जी कोई दिल ले गया। दिल ले गया जी कोई दिल ले गया, दिल ले गया। ओ दिल लेने वाला कभी पकड़ा ना जाए, हाँ पकड़ा ना जाए। जी मेरी नींद ले गया, नींद ले गया। चैन ले गया जी मेरी नींद ले गया, नींद ले गया। जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई दिल ले गया जी कोई दिल ले गया। दिल ले गया जी कोई दिल ले गया, दिल ले गया। अरे अरे कोई बात नहीं, घबराइए मत, झेपिए मत, डरिए मत। हर एक को खूबसूरत बनने कहा था भाई। मैं तो खूबसूरत नहीं बन रहा था, मैं अपनी शक्ल देख रहा था। हाँ, कि कहीं बंदर जैसे तो नहीं दिख रही? मैं बंदर? क्या करती हो शांता देवी, सुनती हो ये क्या कह रही है? ये आपको बहुत छेड़ती है ना? छेड़ती क्या है, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कती है। ये तो इसके लिए अच्छा है कि आपकी मौसी की लड़की है, वरना दफा 7 पेनल कोड के हिसाब से मैं बेइज्जती की दावा कर देता इस पे। ओहो, आप तो फांसी भी दिलवा सकते हैं भाई। हाथ हटाओ, हाथ हटा के बात करो। चल तो छोड़ इन बातों को। आप ये बताइए कि आजकल वकालत कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, चाय पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती, खाना तो कभी कभी नसीब होता है। जी हाँ, क्यों नहीं, ये तो कहते नहीं कि सारा दिन दफ्तर में बैठे बैठे मक्खियाँ मारा। छी 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 छी, हम इंसान हैं, मक्खियाँ नहीं मारते, इंसान को मारते। इंसान को? हाँ, लड़ाई में बंदूक से, तोप से। और ये सोचते रहते हैं क्या साधना देवी को कौन सा सपना सुनाऊं? साधना देवी को कौन सा सपना सुनाऊं? तुम बीच में क्यों बोलती हो, जाओ यहाँ से। अच्छा भाई माफ कर, माफ किया किया किया, जा। अच्छा आप यहाँ बैठिए, मैं अभी माताजी को भेजती हूँ। माताजी को भेज? आप पियानो बजाइए ना। पियानो? पियानो मुझे नहीं आता। साधना देवी सुनो तो, मैं आपको कोरट ले जाना चाहता हूँ, आपके पिताजी वहाँ एक ग्रेजुएट के केस में कानून की बारीकियाँ पेश करने वाले हैं, चलोगी? मैं जानती हूँ पिताजी क्या बारीकियाँ पेश करेंगे। ऐसे अगर गुनाहगार को 5 साल की सजा होने वाली होगी तो उसे 20 साल की करवा देंगे। साहिबान, गुनहगार योगेंद्र पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, उसे अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए रुपए की जरूरत थी। अगर वो चाहता तो ईमानदारी से रुपए कमा सकता था। मैंने ईमानदारी से रुपए कमाने की कोशिश की साहिबान, लेकिन वो समस्त काम ले सकता था, लेकिन उसने इंसानियत के दायरे से गिरकर चंद चांदी के टुकड़ों के लिए एक शरीफ इंसान का खून किया है। मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया है। इसने खून किया है? मैंने खून नहीं किया है। खामोश, सरकारी वकील की बातों को मत टोको। साहिबान, अगर एक अनपढ़ गवार गुनाह करता है हम उसे माफ कर सकते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में इतनी ताकत नहीं कि वह गुनाह के नतीजे को सोच सके। लेकिन यह इंसान जो कायदे कानून को जानता है, पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल किया है, अगर वो गुनाह करता है
हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो कुछ किया है जानबूझ के किया है। गुनाहगार योगेंद्र ने खून किया है और जानबूझ के किया है। That's all, Your Honor. क्या आप लोगों ने फैसला कर लिया? हाँ जनाब। सब सहमत हैं? हाँ जनाब। आपका फैसला क्या है? हम मुजरिम को खून और चोरी का गुनहगार समझते हैं। मैं जूरी के फैसले से सहमत हूँ। मुल्जिम ने जिस हालत में ये गुनाह किया है उन्हें सोचते हुए मैं मौत की सजा देने के बजाय इसको उम्र भर कैद की सजा देता हूँ। 50 रुपए के लिए उम्र भर की कैद? चाचा मैं अपील करूंगा, मेरी पूरी बैगा सेल कीजिए, वो मेरे बगैर जिंदगी चाचा मैं आपके साथ करता। क्या कहा? मेरे बेटे को उम्र भर की सजा? हाँ बहन, ये देखो मेरे बेटे ने चिट्ठी में लिखा है, यूँ तो छूट जाने की पूरी उम्मीद थी। तो सजा किसने करवाई? सरकारी वकील ने। सरकारी वकील ने? आया बड़ा कानून वाला। मैं अभी उसी कसाई के पास जाती हूँ और कहती हूँ कि या तो मेरे लाल को छोड़ दे, नहीं तो उसके साथ मेरी भी जान चली जाए। मैं पागल नहीं, मैं योगेन की माँ हूँ। माँ जिसे तूने 50 रुपए के लिए बुरी भर की सजा करवाई। तेरे कानून में ये लिखा है कि गुनाह एक करे और जान दो की नहीं जाए। जज और जूरी को बहका कर तूने मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की। तूने मुझे हमेशा के लिए अंधा कर दिया। मैंने जो किसके ठीक किया? हाँ हाँ ठीक किया है। कानून यही चाहता था। बाहर में जाए तेरा कानून। पता अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? ये बुढ़ापे की थर थर दिखाया मैं किसके हाथ में सौंपूंगी? मरते वक्त मुझे पानी कौन देगा? मरने के बाद मेरी चिता में कौन आग लगाएगा? ये मैं नहीं जानता। तेरे लड़के ने खून किया तो जो सजा मिली ठीक मिली, अमीर हो या गरीब कानून सबके लिए एक है। कानून? बड़ा आया कानून वाला, जिस कानून में दया नहीं धर्म नहीं वो कानून कानून नहीं कसाई का छुरा है। जिस छुरे से तूने हजारों की जाने ली है मेरे बुढ़ापे को भी हराम कर दिया। कितने वर्षों बाद जब मेरा जवान बेटा बूढ़ा होकर बाहर निकलेगा उसके लिए दुनिया में क्या बाकी रह जाएगा? जिंदगी कदम कदम पर उसे ठोकरे लगाएगी। इसका जवाबदार तू है, वकील तू है। मैं तेरा गला दबाकर तेरा खून कर दूंगी। खड़े कर देखो तमाशा है। बेटा जरा पास। पता अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? ये बुढ़ापे की थर थर दिखाया मैं किसके हाथ में सौंपूंगी? कितने वर्षों बाद जब मेरा जवान बूढ़ा होकर बाहर निकलेगा उसके लिए दुनिया में क्या बाकी रह जाएगा? जिंदगी कदम कदम पर उसे ठोकरे लगाएगी। इसका जवाबदार तू है, वकील तू है। राम सिंह जी, उस बुढ़िया के लिए अलग मकान का इंतजाम कर और उसकी गुजर के लिए जो कुछ रुपए की जरूरत है वो मुझसे ले जाना और उसे मेरा नाम मत बताना। बहुत अच्छा। हाँ तो मिस्टर रसिकलाल मेहता जी, एक राय लेनी है आपसे। यस, मिस्टर रसिकलाल मेहता वकील BA LLB बारेट लॉ। फेल, आई एम सॉरी। थैंक यू, दिस इज माय क्वालिफिकेशन। राय देने के लिए हर वक्त तैयार। हाँ, तो कोई अच्छा सा लड़का है तुम्हारी नजर में? क्यों, बावर्ची भाग गया? बावर्ची के लिए नहीं तो शादी के लिए। शादी के लिए बंदा हाजिर है। अरे लेकिन साधना के लिए नहीं थी तो फिर? रानी के लिए। कहा रानी के लिए? तोबा, ये मुंह और मसूर की दाल, अरे ये तो किसी का भी हाथ पकड़ लेगी। मैं तो ये सोचता हूँ कि इसका भी कोई हाथ पकड़ेगा या नहीं, न रूप न दौलत। तो क्या हुआ, आप जैसे उल्लू क्या दुनिया में कम? क्या कहा मैं उल्लू
साधना देवी देखिए देखिए देख रही हूँ। ओह आई एम सॉरी, सुनिए ये क्या कर रही है, ये कहती है मैं उल्लू। तो क्या बुरा कहती है, तो क्या बुरा कहती है, आप भी मुझे उल्लू समझती है। देखा फिर कहा आप समझाइए ना इसे, आप समझाइए ना। देखिए मिस्टर रसिकलाल मेहता, यस, संस्कृत में उल्लू के माने हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान यानी अकलमंद। अकलमंद Wise out. Yes. Thank you. Quite all right. Thank you. Wise out. रानी, एक बार फिर कहो, please. क्या तो रानी? एक बार. अच्छा? हाँ. तो मिस्टर रसिकलाल मेहता BA LLB बारेट लॉ? आप महा उल्लू हैं। अरे खुश, वेरी खुश, बहुत हैप्पी। मिस्टर रसिकलाल मेहता महा उल्लू यानी बुद्धिमान, अकलमंद, वाइज आउट। साधना देवी एक मिनट। अरे गाड़ी रोको और क्या? अरे वो देखिए। अरे वहाँ तो गधा है। हाँ तुम्हें तो गधा ही दिखाई दे रहा, वो तो है ही गधा। उसके दूर देखो, पहाड़ियों की ओर में सूरज डूबा जा रहा है। ऐसा मालूम होता है जैसे तुम क्यों पूछती हो साधना देवी, आप पूछिए। हाँ तो जैसे प्रीतम दिन भर बिरहा की आग में जलकर शाम को अपनी प्रियतमा को मिलने पहाड़ की ओट में जा रहा है। अच्छा जी, आप तो कवि भी हैं। जी हाँ, मैं 3 बरस शांति निकेतन में रहा हूँ। लेकिन मिस्टर रसिकलाल, मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कोई बेकार वकील दिन भर कोर्ट में कुर्सियाँ तोड़ने के बाद शाम को खाली जेब घर वापस जा रहा है। जब भी कहोगी उल्टा ही कहोगी। कविता कहना आसान बात नहीं, ये कल्पना तो मुझे साधना देवी आपको देखकर ही हुई। आप और मैं और मुझे ये कल्पना उस गधे को देखकर हुई। आप और वो गधा। वो गधा यानी मैं गधा। तुम मुझे गधा कहती हो? देखो साधना देवी, रानी मुझे गधा कहती है। अगर आप रानी का साथ नहीं छोड़ती तो मुझे आपका साथ छोड़ना होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। ऐसा नहीं हो सकता। वो गधा कहती है, आप कुछ नहीं कहते। अरे वो देखिए, देख तो रहा। अरे यहाँ नहीं, वहाँ सूरज डूबा जा रहा है, तस्वीर ले लीजिए। आपको देखते देखते सूरज भूल गया मैं। अरे सूरज भैया जरा खड़ा रहना। ओ परमात्मा, साधना देवी, अरे ठहरो, मैं भी आता हूँ। मैं चलते मर जाऊंगा साधना देवी, जरा ठहरो। चलिए, टाटा की बच्ची को भी साथ लेकर गई, मुझे नहीं ले गई। कोई बात नहीं, भगत की बात है। मैना को पिंजरे में बंद कर रखा है, तो मैं क्या करूं? एक दिन तेरा भी यही हाल होगा, कोई शिकारी आएगा और तुझे पिंजरे में बंद करके ले जाएगा। तो जानती है मैं क्या करूंगी? क्या? शिकारी को मजा चखा दूंगी। अच्छा सुन, तो जरा इसकी खबर ले। हाँ ये ठीक है। अरे मालती गुलाब आते। बेदर्द शिकारी, अरे बेदर्द शिकारी, बेदर्द शिकारी, अरे बेदर्द शिकारी, सुन बात हमारी, अरे बेदर्द शिकारी, बेदर्द शिकारी, अरे बेदर्द शिकारी। आएगी बारी।
तेरे पंख मगर उड़ के दिखा दे, जो सामने आए उसे ठोकर से मिटा दे, तू आँख से संसार में तूफान उठा दे, हर आंसू को फरियाद से एक आग बना दे, पिंजरे को जला दे, अरे पिंजरे को जला दे, आ जाओ मेरे लाल ये मारो के पुकारी, आ जाओ मेरे लाल ये मारो के पुकारी, आ जाओ मेरे लाल ये मारो के पुकारी, आ जाओ मेरे लाल ये मारो के पुकारी। गड़बड़ कोई नहीं मालूम होता है, कोई कैदी जेल से भागा है, ऐसे ही मालूम होता है। चल देर हो रही है, चल चल। कौन? मैं कैदी। कैदी? खामोश रहिए, एक लोग मेरे पीछे, मैं पकड़ लिया जाऊंगा। लेकिन तुम एक भागे हुए कैदी। लेकिन निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष। साधना, हम अकेली दो लड़कियां और ये कैदी। सभी कैदी बर्दाश्त नहीं होते, मुझ पर रहम कीजिए, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे छिपा लीजिए। मैंने आपको कहीं देखा है? अरे साधना, ये तो वही है जिन्होंने तुम्हारा पर्स वापस ला कर दिया था, वो सिपाही इस तरह। चुप जाइए। मुझे शक है इसी मोटर में छुप गया होगा वो। इसी मोटर वो हमारे सरकार वकील साहब की मोटर चला उनके घर। ये लीजिए कपड़े, जल्दी से बदलाइए इस कमरे में, और देख रानी तू दरवाजे पे खड़ी है, अगर कोई आए तो इशारा करना। मुझे जंगल में अकेला छोड़ा है, 10 माइल में पैदल आ रहा हूँ आज उसके। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं क्यों नहीं जा सकता अंदर? साधना कपड़े बदल। साधना कपड़े बदल से कोई बात नहीं, मैं यही खड़ा हूँ, आज मुझे उससे फैसला करना है, मुझे जंगल में अकेला छोड़ के आए। लेकिन ये बात उनसे कहने की क्या जरूरत है? किससे कहूँ? बैरिस्टर साहब से कहिए और माता जी से। जाइए बैरिस्टर साहब से, माता जी से। थैंक यू रानी, बैरिस्टर साहब से कहूंगा, माता जी से कहूंगा। साधना देवी, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता, मुझे आज्ञा दीजिए। जरा ठहरिए, इस उपकार के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी चीज मांगती हूँ। कहिए। आप मुझे एक वचन दीजिए। क्या? यही कि जो भूल आपसे हो गई फिर जिंदगी में कभी ना करेंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ साधना देवी। तो आइए ईश्वर के चरण छूकर कसम खाइए। साधना देवी, ईश्वर दया का रूप है, उसने मुझ पर दया की है, मैं उनको तुम में देखता हूँ। मैं तुम्हारे चरणों की कसम खाकर कहता हूँ कि मुसीबतों की कितनी बड़ी आंधियां क्यों ना आए, मैं सच्चाई के रास्ते से कभी हटक मगाऊंगा और जीवन भर अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करूंगा। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे कि अपना दिया हुआ वचन पालन कर सको। अच्छा तो नमस्ते। वकील साहब, मुझे आपके बंगले की तलाशी लेनी। तलाशी? जले साहब होश में आइए, मुझे आपकी अकबर तरस आता है। मेरा तो ऐसा ख्याल नहीं है, लेकिन इन सिपाहियों का कहना है कि कैदी भागकर आपकी मोटर की तरफ गया था और फिर ना जाने कहां गया। क्या वो मेरी मोटर बैठ के यहाँ आया? मेरी मोटर मेरी लड़की साधना थी और उसके साथ उसकी सहेली रानी। अच्छी सुनो, क्या तुम्हारी मोटर में भागकर को कैदी छुपके चलाया? जी नहीं चाचा जी, मेरा भागे हुए कैदी को हम लोग कैसे छुपा? नहीं तो, लेकिन इतनी छोटी सी बात हमारे जेरे साहब के दिमाग में नहीं आती। ताज्जुब है, एक कैदी को छुपने के लिए सरकारी वकील की गाड़ी पसंद आई और फिर उसी गाड़ी में बैठकर मेरे यहाँ पना लेने आया। जेरे साहब, मैं कहता हूँ यहाँ कैदी वाली कोई नहीं है, आप जा सकते हैं। माफ कीजिए वकील साहब। अच्छा हुआ पिताजी ने इन लोगों को धमका कर रवाना कर दिया। क्या आप सरकारी वकील की बेटी? जी हाँ। क्यों? तब तो मेरी खैर नहीं।
आपके पिताजी ने ही मुझे उम्र भर की कैद करवाई थी। नजर पड़ते ही पकड़वा देंगे। ऐसे तो वो रोज ना जाने कितने कैदियों को सजा दिलवाते हैं। सबकी शक्लें थोड़ी ही याद रहती हैं। फिर भी डर तो है ही। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। आप समझते हैं कि यहाँ से बाहर जाने पर आप पुलिस के पंजे से बच जाएंगे? मैं कहती हूँ कि आपके छुपने के लिए अगर कोई जगह है तो यही करा। दीदी वो सब चले गए, अब कैदी को रवाना कर दो। साधना बेटी, साधना नया नया है प्यार जमाना देख न ले, पहला है इकरार जमाना देख न ले, नया नया है प्यार जमाना देख न ले। म्यूजिक मास्टर रख लिया बेटे? जी हाँ पिताजी। मारे सा मारे सा सारे माँ सारे माँ मारे सा। नया नया है प्यार जमाना देख न ले, नया नया है प्यार जमाना देख न ले। हुआ सब चौपट गई दुनिया डट, हुई बातें उलट सुन ओ नटखट, जरा बात पलट कुछ गा झटपट 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 झटपट। हो गई आंखें चार जमाना देख न ले, नया नया है प्यार जमाना देख न ले। याद नहीं कोई राग जरा तू जाग, छेड़ कोई राग के जिससे लगे दिलों में आग, किसन कर दुनिया जाए भाग। छेड़ कोई राग छेड़ कोई राग छेड़ कोई राग छेड़ कोई राग छेड़ कोई राग। पहली नजर का प्यार जमाना देख न ले, पहला है इकरार जमाना देख न ले। सुन रे गोरे जरा बात मोरे, पहले प्रेत तोरे नहीं टूटे डोरे, कुछ का गोरे कुछ का कुछ का कुछ का कुछ का कुछ का। पहला है दीदार जमाना देख न ले, नया नया है प्यार जमाना देख न ले। हाँ जलते रहेंगे जलने वाले, हंसते रहेंगे हंसने रहो होशियार मेरी सरकार जमाना देख न ले। भाई फिर भी रहो होशियार मेरी सरकार जमाना देख न ले। बीमार माँ को मिलने के लिए जेल से आया था, मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। अच्छा तो जाइए, लेकिन जल्दी लौट आइएगा, नहीं तो पकड़े जाएंगे। इधर से नहीं, इधर से जाइए। अच्छा।
ये मुझे क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। अखियां करे सलाम, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। शर्म से चेहरा हुआ गुलाबी, मेरी आंखें हुई शराबी, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? छन बजने लगी सितार, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। नींद ना आए सारी रात, कहे दिल मुलाकात, कहे दिल मुलाकात, कहे दिल मुलाकात, मुलाकात, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जन्म में मुझे मेरी मां नहीं मिल सकती। क्यों? भगवान जाने वो कहां होगी। घर जाने पर मुझे अपने पड़ोसियों से मालूम हुआ कि मेरी मां मेरे गम में रो रो कर अंधी हो गई, और एक दिन एक दयालु आदमी आया और उसे साथ ले गया। भगवान जाने वो कहां। निराश ना होइए, हम मां को ढूंढ निकालेंगे। और हाँ, आप आज से इसी घर में रहिएगा, म्यूजिक मास्टर के लिए अलग कमरा मिल जाएगा। चलो बहन, हम सब तैयार हैं, नाच की रिहर्सल कर लें। हाँ, हम जेल से छुटे हुए कैदियों की मदद के लिए एक नाच का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। अच्छा साधना देवी। साधना देवी, आज तो हाउसफुल है, तो नजदीक है। हमारे आज के प्रोग्राम का नाच एक दर्दनाक कहानी है। Thank you.
हजारों साल गुजरे, एक मुल्क में बहुत बड़ा बादशाह था जिसकी सैकड़ों रानियां थीं। लेकिन वो किसी की मोहब्बत पर भरोसा नहीं करता था। अगले दिन दुल्हन को मौत के घाट उतार देता था। एक दिन भोली भाली लड़की गुलनार भूल से वहां आ गई। Thank you.
वो न होता तो साधना जिंदा न बचती। खुद अपनी जान पर खेल गया बहादुर, हाथ जला लिए अपने। इतना सब किया उसने, लेकिन तुम्हारे फटे मुंह एक मीठा बोल भी ना निकला उसके लिए। जरा तो कर मान लेते उसका। तुमने तो मान लिया। मैं क्यों ना मानू, मेरी एक लौती बेटी को मौत के मुंह से बचाया, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मैंने तो नर्स के बदले साधना को ही उसकी देखभाल के लिए रख छोड़ा है। आज तो आराम है रानी, नींद भी आ गई है। ये तो तुम्हारे नाजुक प्यार भरे हाथों का असर है। जिसे नाती हो उसे भी आ जाए। क्या मतलब, समझती तो हो फिर क्यों पूछती हो? चल हट, लग कर गए। अरे अरे, यहाँ तो है ना, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे देखते नहीं हो, देखती नहीं हो, साधना कहाँ है? अंदर है। अंदर, थैंक यू अंदर। लेकिन आप वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? मास्टर साहब सो रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो साधना से मिलने जा रहा हूं। लेकिन कहीं वहां जाके आप अपना सपना जोर जोर से सुनाने लगे तो जो सपना मास्टर साहब देख रहे हैं वो टूट जाएगा। क्या कहा? मास्टर साहब सपना देख रहे हैं? काहे का? साधना का। साधना का? साधना का अंदर। साधना अंदर, मास्टर साहब सपना, मैं बाहर, मास्टर साहब अंदर, सपना साधना अंदर, मास्टर साहब सपना, साधना। बेहोश ना हो गई रसिक बाबू। रसिक कहा तुमने? रसिक, भूल हुई भूल हुई, मिस्टर रसिक लाल मेहता, BA LLB, बार एट लॉ। सुनिए, ना साधना दीदी अंदर है और ना मास्टर साहब, दोनों अस्पताल में है। दोनों अस्पताल में? साधना दीदी आपसे तो बच गए ना। ये तो अस्पताल जाएंगे डॉक्टर से। हालत तो डेंजरस नहीं? डेंजरस है। हालत डेंजरस है तो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। डॉक्टर ने कहा है साधना दीदी की जान बचाने के लिए किसी हट्टे कट्टे आदमी का खून चाहिए। खून चाहिए। तो घबराओ नहीं, मैं घर जाता हूँ, अपनी मम्मी को यानी अपनी माता को यानी अपनी माँ को लेके अस्पताल पहुँचता हूँ। लेकिन माता जी को ले जाने की क्या जरूरत है, आप भी काफी हट्टे कट्टे हैं। मैं तो हट्टे कट्टा हूँ, लेकिन मेरी माता जी मुझसे भी हट्टी कट्टी है, वो अच्छी। ये क्या सपना देवी, तुम कुछ बदली हुई मालूम होती हो। मेरी दुनिया बदल गई है योगी। क्या कहती हो? जब से तुमने मुझे आग से बचाया है मेरी दुनिया, दिल दिमाग सब कुछ बदल गया है। साधना देवी, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? तुम्हें नहीं चाहूंगा तो और किसे चाहूंगा साधना देवी, जिसने मुझे नया जीवन दिया, मेरी अंधेरी दुनिया को रोशन किया, नरक से निकालकर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। और अब मैं तुम्हें हृदय सिंहासन पर बिठाना चाहती हूँ। मुझे निराश तो ना करोगे? यह कैसे हो सकता है साधना देवी, तुम हीरा मैं पत्थर, मुझ में और तुम में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम की दुनिया में अंतर कहाँ, जहाँ अंतर है वहाँ प्रेम कहाँ? प्रेम की ज्योति से तो पत्थर भी हीरा बन जाता है। ठीक है साधना देवी, लेकिन जिस घर ने मुझ जैसे गुनाहगार को आशा देकर इंसान बनाया, पाप की आग में जलकर राख होने से बचाया, क्या मैं उसी घर में अपने हाथों से आग लगा दूं? आग तो तुम लगा चुके हो, घर में नहीं, दिल में। और ये आग तुम्हारे बुझाए ही बुझ सकती है। नहीं नहीं साधना देवी, ऐसा न कहो, तुम मुझे अपनी दिया का भिखारी बना देने का। भिखारी नहीं योग्य। बेटा, पहले मेरा इरादा साधना की शादी रसिक के साथ कर देना था, लेकिन जिस दिन वो आग लगी और वो अपनी जान बचाकर भाग गया, मैंने अपना विचार बदल दिया। तुमने साधना को बचाया है, मैं उसे तुम्हारे ही हाथों सौंप देगी। माता जी। हाँ, वो तुम्हारी ही किस्मत से बच गई। मेरी किस्मत? मैं तो बहुत बदकिस्मत हूँ माता जी, और मैं चाहता कि मेरे साथ रहकर साधना के भी भाग्य न फूट जाए। शादी ब्याह के मामलों पर इतनी जल्दी फैसला नहीं किया जाता बेटा, मैं तुम्हें कल सुबह तक समय देती, अच्छी तरह सोच लो और उसके बाद ही मैं साधना के पिता से इस बारे में बात करूंगी। लेकिन माता जी, आप मेरी बहुत सी बातें नहीं जानती। और मैं जानना भी नहीं चाहती, अच्छी तरह सोच लो, कल सुबह जवाब देना। मैं
देखा। माता जी। हाँ, वो तुम्हारी ही किस्मत से बच गई। मेरी किस्मत? आग तो तुम लगा चुके हो, घर में नहीं, दिल में। और ये आग तुम्हारी बुझाई ही बुझ सकती है। चले गए जाने वाले चले गए।
कहते रह गए सनम 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 हम कहते रह गए सनम 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 ओ सनम ओ सनम ओ सनम ओ सनम मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। मुझे भूल जाने की कोशिश करना। मास्टर जी, साधना देवी नहीं, साधना देवी को अपने प्रेम की आदमी से रात हो चुकी। वो तो साधना देवी का भूत है। ये लो पिस्तौल। साधना देवी लो, और इसे भी खत्म कर डालो, नहीं तो ये जीवन भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे इस तरह रोकने की कोशिश न करो। क्यों, आखिर किस लिए तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? इसलिए कि मेरे चले जाने में हम दोनों का कल्याण है। भूल है, ये तुम्हारी भूल है। तुम अपने साथ मेरे जीवन की तमाम खुशियां लिए जा रहे हो। चले जाने के बाद मैं कभी नहीं मुस्कुराऊंगी। भावनाओं की राह में बहकर अपना भविष्य बर्बाद न करो साधना। मुझे भूल जाओ और अपने लिए अपने जैसा एक जीवन साथी तलाश करके एक शानदार जिंदगी गुजारो। यही मेरी आरजू है। समझ लेना कि कोई मुसाफिर थोड़े दिनों के लिए आया था और फिर चला गया। चला गया और जाते जाते जीवन भर के लिए मुझे दर्पण का मारा आंसू दे गया। जाते क्यों नहीं? जाओ, जाना ही चाहते हो तो जाओ, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। मुझे मालूम ना था कि जेल खाने की दीवार फांद कर बंदूक के गोलियों के सामने से भागता हुआ बहादुर कैदी कितना बुजदिल होगा। तुम्हारा मतलब? मैंने सपने में भी ना सोचा था कि मुझे आग से बचाने वाला, जीवन दान देने वाला इतना कायर होगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि जिसे मैंने अपना समझा, जिस पर मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वो मुझे इस तरह ठुकरा कर चला जाएगा। अच्छा होता जो तुम मुझे आग से बचाते ही नहीं। ऐसा ना कहो साधना, मैं भी तुम पर और तुम्हारे प्रेम पर जान तक निछावर कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी भोली सूरत देखते ही मन मार कर रह जाता हूं। सोचता हूं कहां तुम और कहां मैं। नदी जब समुद्र से मिलने जाती है तो समुद्र दूर नहीं भागता, बल्कि हजारों अनगिनती हाथों से उसका स्वागत करता है। तुम क्या जानो नारी के कोमल हृदय को, उसके दर्द को। जाओ, समझना कि साधना मर चुकी, हमेशा के लिए मर चुकी।
हंस रहे हो मेरे रोने पे ओ हंसने वाले, मेरे रोने पे ओ हंसने वाले, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है। रो मत साथ मरेंगे एक साथ। सचियों के वादा करो। वादा करता हूं। सब लोग बाहर गए हैं, चलो हम भी बाहर चलें। बस जाऊं और दिल में तेरे बस जाऊं, मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं और दिल में तेरे बस जाऊं, और बन जाऊं चित चोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगी, तो बोलो क्या करोगी। पतंगे उड़ावो जी ऊंची न पतंगे उड़ावो, इतना ना प्यार बढ़ाओ ऊंची न पतंगे उड़ावो जी ऊंची न पतंगे उड़ावो, कहीं कच्ची रह गई डोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। हम दूर देश में जाके एक नई पतंग मंगा के जी एक नई पतंग मंगा के, हम दूर देश में जाके
एक नई पतंग मंगा के जी एक नई पतंग मंगा के बांधेंगे दिल की डोर तो बोलो क्या करोगे तो बोलो क्या करोगे। तो दूर देश जाओगे जी, नई पतंग लाओगे जी, मुझे भूल जाओगे जी, किसी और से दिल लगाओगे जी। जी 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 तकलीफ तो नहीं? सेठ धर्मदास, आपने मुझे सब कुछ सुख दिया, लेकिन लेकिन मेरा बच्चा मुझे मिल गया, सब कुछ मिल गया। उस सरकारी वकील ने मेरे बेगुनाह बच्चे को कैद कर लिया। मां, मैं कुछ करूंगा। कहती हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मास्टर, एक साथ में साधना की शादी कर दूं? तो इससे क्या हुआ? क्या हुआ? मास्टर ने साधना की जान बचाई है। उसे 2000 रुपए दे दो, ना उसके माँ बाप का पता है ना उसे पहचानता है, ऐसे आदमी अपनी बेटी दे दूं? मगर इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं, साधना मास्टर से प्रेम करती है। प्रेम करती है? प्रेम करती है? क्या बकवास है प्रेम? कहाँ है साधना? शायद अंदर के कमरे में। साधना, साधना, मैं सुन रही हूँ, आपको जो कुछ कहना है कहिए। मैंने तुझे इसलिए लिखाया पढ़ाया था कि मेरे नाम पर बट्टा लगाए। आपके नाम पर बट्टा लगे, ऐसा तो कोई काम मैंने नहीं किया। तो फिर एक अच्छा काम है, एक नालायक नौकर का शादी करने तैयार हो गई। माफ कीजिए पिताजी, सभी नौकर नालायक नहीं होते और सभी मालिक भी लायक नहीं होते। वो कंगाल है, लखपतियों की तरह गरीबों का दिल कंगाल नहीं होता। उसकी हैसियत दो तौड़ी की भी नहीं, उसका दर्जा हम तो कह नहीं चाहे। मैं उस दर्जे तक गिरने को तैयार हूँ, क्योंकि 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 तू उसे प्रेम करती है। नादान लड़की, इस दुनिया में प्रेम प्रेम जैसी कोई चीज नहीं है, जवानी का तूफान और मन का धोखा है। मैंने अपनी जिंदगी में सर्व लव मैरिज के मुकदमे किए हैं, आज शादी, तलन के बाद तिलाक, ये है प्रेम, समझी? सुना तूने? सुना। इसका मतलब है तू अपनी जिद को नहीं छोड़ोगी? ये जिद नहीं, इसका शुभ निश्चय है। चुप रहो जी। तुम ही ने रसिक को सारे नगर पसंद किया था, मैं सब कुछ तय कर चुका हूँ, अब मैं अपने वायदा नहीं पलट सकता। तो क्या आप मेरी और माता जी की मर्जी के खिलाफ रस्सी को मेरे गले बांध? बेशक, ये तो सिर्फ तेरी माँ से अपनी से ज्यादा प्यारी है, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरा भी आखिरी फैसला आप सुन चुके हैं। हाय होती है, हाय लो। पिस्तौल देखती है? उस मास्टर से शादी करने की बात तो दूर रही, अगर आज से तेरे उसका कुछ भी वास्ता रखा मैं तेरी माँ को खत्म कर दूंगा, जिसने तो शादी इजाजत दी, और उसके बाद तुझे सच चुकाना चाहती है, और फिर उस मना कर हराम मास्टर को जिसने अपनी मालिक की बेटी रजा डाली। सुनो, अपनी बदनामी होने से पहले मैं भी अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, जा सकती हूँ। जा! रानी, जी इधर आओ, तुम फौरन रस्सी के यहाँ जाओ, उसे उसकी माँ को बुला के लाओ। जाओ, खड़ी मुँह क्या देख रही हो? और अगर वो लोग पूछे कि कहना कि साधना और रस्सी की शादी के बाद आ जाते होगी। बैठो साहब, मैं आ रहा हूँ। रस्सी, तुम थे वक्त पे आ गए। यस। रानी, उस नए गौर को बुलाओ रात के पहले के लिए, ताकि मास्टर साधना भाग ना जाए। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब, मेरे होते हुए गोरखे की क्या जरूरत है, रात भर पैसा मैं दूंगा, साधना तो क्या कोई पता भी हिलने न पाएगा। शाबाश, थैंक यू, और मैं थोड़े दिनों में तुम्हारा ब्याह साधना से कर दूंगा। शुक्रिया माता जी। ओ आई एम सॉरी, माफ करना साधना देवी। माता जी आशीर्वाद दीजिए, मैं साधना को फूल की तरह रखूंगा, फूल की तरह। और सुनो, हाँ जी,
आज से गाना तुमसे गाना। गाना भी, थैंक यू मेहरबानी, शुक्रिया माता जी, सुना आपने, गाना भी मैं सिखाऊंगा। वाह वाह, तो इसमें अफसोस करने की क्या बात, अगर मास्टर जी नहीं आए तो हम तो नहीं मर गए, हम तो हैं, हम भी तो बहुत भारी उस्ताद हैं, 420 पाउंड वजन है मेरा, अब देखो मैं क्या क्या करके दिखाता हूँ। अरे वाह वाह, तुम तो बड़ी मेमसा बन गई हो, चॉकलेट खाती हो, रख दे, मैं कहता हूँ चॉकलेट रख दे, सुनती नहीं, मेमसा बनी चॉकलेट खाती है। क्यों हमें पैदा किया भगवान हिंदुस्तान में, तुम गिरा देते हमें ऐ काश इंग्लिस्तान में, यहाँ प्यार ना जाने कोई रे। नहीं जमा भाई, नहीं जमा, यहाँ प्यार ना जाने कोई रे, रे 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 क्या हुई, नहीं जमता, नहीं जमता, कह रहा हूँ नहीं जमता, यहाँ प्यार ना जाने कोई रे, अब जमा, मान गए। अरे भाई खान साहब, क्या बात है, तुम्हारा जवाब नहीं है। चलो हो नुलु लो, चलो हो नुलु लो, चलो हो नुलु लो, चलो हो नुलु लो, होनलुलो 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 की सैर कराऊंगा, होनलुलो की सैर कराऊंगा, ओ सैर कराऊंगा, सैर कराऊंगा, होनलुलो होनलुलो होनलुलो। कुछ नहीं कुछ नहीं, मच्छर है मच्छर। होनलुलो चलो, होनलुलो चलो, होनलुलो चलो, होनलुलो 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 सैर कराऊंगा, की सैर कराऊंगा, सैर कराऊंगा, सैर कराऊंगा। अरे हम तो बने पहरेदार, साधना तेरे लिए। बैरिस्टर साहब ने स्टैचू भूत जैसा रखा है। थैंक यू थैंक यू। स्टैचू भूत 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 तो नहीं, भूत तो नहीं, बंदूक, मेरी बंदूक, बंदूक नहीं, ये भूत तो नहीं था, मैं इसके से परमात्मा से मेरी लाज रखना, भूत भूत मिस्टर भूत, मेरा बंदूक दे दो मिस्टर भूत, भूत ये परमात्मा से मेरी लाज रखना, भूत भूत मिस्टर भूत, मेरा बंदूक दे दो मिस्टर भूत। साधना, साधना क्या होगा? फिक्र ना करो साधना, आंधी को कोई मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता। लेकिन पिताजी ने रसिक को शादी की तैयारी करने के लिए कह दिया है, दरवाजे पर पहरा लगा दिया है ताकि हम दोनों भाग ना जाएं। प्रेमियों को मौत का पहरा भी नहीं हो सकता, वो आजाद पंछी होते हैं, बिना पंख भी उड़ सकते हैं। तो तुम यहाँ से कहीं चले जाओ ताकि पिताजी के गुस्से से बच सको। मैं चला जाऊं तुम्हें छोड़कर, और तुम? मैं उस रसिक के साथ शादी करने से पहले जहर पीकर मर जाऊंगी,
जीवन सरिता के उस पार तुम्हारी राह देखा करूंगी। साधना, जहर तुम अकेली ही नहीं पियोगी, मैं भी जहर पीऊंगा। योगेन, ऐसा ना कहो। जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ, ये मौत भी अपने लिए मिलन की रात होगी। चलो राम सिंह जी, एक काम करेगा? क्यों नहीं माँ। तूने साधना को अपनी बेटी की तरह पाला है जी। इसके पिता रसिक से शादी करके इसकी जिंदगी तबाह करने पर तुले हैं। तू साधना और मास्टर जी को तेरी गंगा बहन के घर ले जा, फिर मैं देखती हूँ वो कैसे अपनी मनमानी करता है। आप फिक्र न करें माँ। जहर वहर क्या है? तुम नहीं जानते राम सिंह, मैं योगेन से प्रेम करती हूँ और पिताजी मेरी शादी रसिक से करना चाहते हैं। बेटी, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, मैं तुम पर यह जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगा और देखता हूँ कि कौन रोकता है इस शादी को। सच राम सिंह? हाँ बेटी, मुझ पर विश्वास करो, मैंने जो कुछ भी कहा है वो करके दिखाऊंगा। आप दोनों तैयार हो जाए। अच्छा, मैं अपने जेवर लेकर आती हूँ। नहीं साधना, मैं तुम्हें पिताजी के घर की एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगा। क्यों? इसलिए कि ये चोरी है, पाप है। याद है तुमने मुझसे चोरी ना करने की प्रतिज्ञा ली थी, अब उसे तोड़ना चाहते हो? हाँ योगेन, मैं ये जेवर भी उतार देती हूँ। कोई बात नहीं, बंदूक ले गया ना, रसिकलाल मेहता मींस व्हाट, तुम भागने ना पाओगी। लिख लो। यहाँ से तो आवाज नहीं। निकला माँ, लेकिन माँ मैं अकेला नहीं आया हूँ, तुम्हारी सेवा के लिए एक बहू भी लाया हूँ। बहू? हाँ माँ। आओ बेटी। साधना, आओ। माँ के चरण छू। माता जी आशीर्वाद दीजिए, बेटी मेरा सौभाग्य अखंड रहे। भगवान, तूने आज मेरी यह मनोकामना पूरी की। लेकिन माँ ये सुख कब तक? मैं एक जेल से भागा हुआ कैदी हूँ और साधना के पिताजी मेरे दुश्मन है, वो हमें किसी वक्त गिरफ्तार करा सकते हैं। लेकिन तुम समझ से काम ले सकते थे, तुमने इंसान के दायरे से गिर के चंद चांदी के टुकड़ों के लिए एक शरीफ इंसान का खून किया है। मैंने खून नहीं किया। तुमने खून किया है? मैंने खून नहीं किया। मैंने खून नहीं किया। जब से तुमने मुझे आग से बचाया है, मेरी दुनिया, दिल, दिमाग सब कुछ बदल गया है। चलो साधना। क्यों, कहाँ चलना है? तुम्हारे पिताजी के पास। पिताजी के पास? हाँ, मुझे उनसे माफी मांगना है। किस बात की? हम लोगों ने चोरी से भागकर शादी करना तय किया है ना,
हमें उसकी माफी मांगना चाहिए। नादानी मत करो, उल्टे मुश्किल में आ जाओगे। मुझे बार बार अपनी प्रतिज्ञा याद आती है, मैंने तुम्हें छिपा रखा है, ये ठीक नहीं। पिताजी से सब बातें साफ साफ कहकर माफी मांगना मेरा फर्ज है। तुम ठीक कहते हो मास्टर जी। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। सच पिताजी? हाँ बेटा, और मैंने ये भी तय किया है कि एक शानदार पार्टी करके उसमें तुम दोनों की शादी का ऐलान कर दूं। सर। बेटा गई गुजरी बात भूल जा। बेटा। पिताजी। आपका आशीर्वाद पाकर हमें बहुत खुशी हुई पिताजी। योगी। बेटा तुम चलो मेरे साथ, तुम सब इंतजाम करना होगा ना, और योगी तुम भी सुबह आ जाना मदद करने के लिए। जरूर पिताजी। आ बेटा, आ चले। बहुत खुश हो? लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो वो कौन है? अव्वल दर्जे का बदमाश। जी आप क्या कह रहे हैं पिताजी, आप फिर बदल गए? आप मुझे मास्टर जी के घर से धोखा देकर लाए हैं। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ। उस आवारा के साथ तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। अब उसे जिंदगी भर जेल में न छुड़ाया तो फिर कहना। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप मेरे पिता नहीं बल्कि दुश्मन हैं। बेटी अपने पिता को ऐसा नहीं कहना चाहिए। माँ एक पिता वो होते हैं जो अपनी बेटी का सौभाग्य चाहते हैं, और एक ये है जो अपनी बेटी के सुहाग में आग लगाना चाहते हैं। बड़ी आई सुहाग वाली, एक जेल से भागो कैद की बातों में आकर सुहाग सुहाग चिल्लाती है। पिताजी तुम समझती हो मैं तुम्हारे मां को पहचानता नहीं? ये वो योगेंद्र है जिसे मैंने उम्र भर सजा करवाई थी, और इसका मेरे पास सबूत है। ये देखो ये रहे उसके कपड़े। तो ये मास्टर वही कैदी है जिसे ढूंढने जेलर अपने घर आया था? जी हाँ, इन्हीं श्रीमान मास्टर जी को आपकी बिटिया रानी ने मास्टर बनाकर घर में रखा। ओ माँ, ये तुमने क्या किया भागिन? अब तुम ही बताओ, ऐसे चोर डाकू मैं अपना दामाद बनाऊं? एक दिन तुम्हारी बिटिया रानी गला घोट कर जेवर लेकर भाग जाएगा। ऐसे चोर डाकू जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए। मेरी भी तो सुनो माँ, उन्होंने जो कुछ किया मजबूरी से किया, नहीं तो वो वाकई गरीब है। उन्होंने मेरी जान बचाई, यहाँ से जाते वक्त मेरे जेवर भी उतरवा दिए। ऐसा नेक आदमी गुनाहगार नहीं, देवता है। देवता है? अभी पुलिस को बुलाकर देवता की पूजा कराता हूँ। पिताजी ऐसे कठोर ना बनिए। जो आदमी जेल के नर्क से छुटकर नेकी और शराफत की जिंदगी बसर कर रहा है, आप फिर से उसे जेल में डालकर आवारा क्यों बनाना चाहते हैं? अगर तुम उसका भला चाहती हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। कहिए, अगर मुझे जान भी देना पड़ेगी तो खुशी से दूंगी। तुम उसे कहो तुम्हें उससे प्यार नहीं है और ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। नहीं कह सकती तो मैं तेरे गिरफ्तार कराता हूँ। पिताजी आप उसे गलत समझ रहे हैं। पिताजी ठहर जाइए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ऐसा मत कीजिए। मैं उसे पुलिस हवाले करता हूँ। पिताजी कुछ तो रहम कीजिए। कुछ नहीं होगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। गिव मी क्राइम ब्रांच प्लीज। पिताजी मैं आपके हाथ मेरे साथ मंजूर है। मिस्टर कुठारे प्लीज। ठहरिए पिताजी। मेरे साथ मंजूर है? मेरा दिल चाहे रोता रहे लेकिन मास्टर जी की जिंदगी बच जाए, मैं यही चाहती हूँ। तो कितनी अच्छी लड़की हो। तो मैं क्या करूँ? जब वो यहाँ आएगा उससे ऐसा बर्ताव करना कि वो तुमसे नफरत करने लगे। कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं बेटा, करना होगी। करूंगी। पिताजी, पिताजी, आज मेरी और साधना बेटी, मेरा मतलब साधना देवी की सगाई हो रही है, इसलिए बताई पिताजी आशीर्वाद दीजिए। ओ साधना। अरे भाई माई बेटी भूलना मत, योगेंद्र के साथ ऐसा बर्ताव करो कि वो हमेशा ले चला जाए, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुम्हें करना होगा। साधना देवी रसिक। साधना देवी <रसी। laughs>
मुझे तो माफ करना, नहीं तुमसे करूंगी मैं प्यार, नहीं तुमसे करूंगी मैं प्यार, मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। LLB हो फेल, सीखो मुझसे प्यार का खेल, BA LLB हो फेल, सीखो मुझसे प्यार का खेल। अजी मैंने कहा तुम्हें करना पड़ेगा प्यार, तुम्हें करना पड़ेगा प्यार, मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। मेरे चाहने वाले हजार, मेरे चाहने वाले हजार, मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। खत लिखते हैं मुझको लोग यूपी और बंगाल से, बंगाल से। मैंने भी एक खत लिखा था रानी जी भोपाल से, भोपाल से। अजी मैंने कहा बस अपना कहो एक बार, बस अपना कहो एक बार, मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। मेरे चाहने वाले हजार, मेरे चाहने वाले हजार, मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। एक है दिल लाखों दीवाने शमा, एक लाखों परवाने, एक है दिल लाखों दीवाने शमा, एक लाखों परवाने। अजी मैंने कहा अब किसे करूं मैं प्यार, अब किसे करूं मैं प्यार, मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। मेरे चाहने वाले हजार, मेरे चाहने वाले हजार, मुझे तो माफ करना, मुझे तो माफ करना। बैठो ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ योगी, कोई हर्ज नहीं। लो ये खाओ, ये भी खाओ, ये सब खा जाओ। भूख नहीं है क्या? भूख की परवाह नहीं करनी चाहिए, सब खा जाओ, मेरे लिए खा जाओ, मैं आज बहुत खुश हूं। अंगूर खाओगे? अच्छा तो ये लो, देखो मीठे हैं या खट्टे। ये डियर कुमार कौन है? कुमार, कुमार बड़ा हंसमुख है, बहुत ही सुंदर है। योगिन तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। मेरा तो दिली दोस्त है, बहुत ही दिलचस्प है, ऐसा नौजवान मैंने कभी नहीं देखा था, योगिन कभी नहीं देखा था। बताओ कुमार मुझे कब मिला था? एक चांदनी रात थी, समंदर का किनारा था, चांद की किरणें समंदर की लहरों से खेल रही थी, दूर बहुत दूर कोई मीठी सुरों में बांसुरी बजा रहा था, और कुमार ने मेरा हाथ पकड़कर ऐसी प्यार भरी बातें की कि मेरा तो दिल डोलने लगा। दया करो नाथ, मैं ये नहीं देख सकती, अभी तुम नहीं देख सकती और भी लड़की बनाई चाहती हो तो ये लो 1000 रुपया और दे दो उस पाजी को, और उसे कह दो ये शहर छोड़ के मत आ जाए। बेटा योगेन, कहिए। हाँ मैं जानती हूँ तुम मेरी लड़की से प्रेम करते हो, लेकिन भगवान जाने वो तुमसे क्यों रूठ गई है, तुम्हें निराशा हुई है। लो 1000 रुपए। 1000 रुपए किस लिए?
तेरे और हमारे भले के लिए जो हुआ सो हुआ, अब तू दया करके ये शहर छोड़कर चला जा। क्यों? साधना के पिताजी साधना की शादी रसिक से करना चाहते हैं। उन्हें तेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है कि तू एक भागा हुआ कैदी है। तो जब तक साधना की शादी न हो जाए तू इस शहर को छोड़कर चला जा, और साधना के बारे में अपने प्रेम का जिक्र किसी से न करना। वकील साहब ने इसीलिए ये 1000 रुपए दिए हैं। लेकिन ये 1000 रुपए तो कम है। ये हमारी इज्जत का सवाल है, और क्या चाहता है? 5000। ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इसे कम नहीं ले सकता। दे लो, इसे 1000 रुपए दे दो। वकील साहब, आप दो प्रेमियों को जुदा कर रहे हैं, इसकी कीमत 5000 से कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। 3000। ठीक है, ना दीजिए 5000। मैं भी बाहर जाकर आपकी और आपकी बेटी की बेइज्जती कर सकता हूँ। मुझे तो यही उम्मीद थी। नमक हराम, ये पकड़ ले, 5000। इस सौदे में तो मुनाफा ही मुनाफा है, मैं आधी शहर छोड़कर चला जाऊंगा। तू बड़ा समझदार है बेटा। अगर आप मुझे 10000 रुपया दें तो मैं हिंदुस्तान भी छोड़कर जा सकता। अच्छा अच्छा, इन्हें संभाल कर रखा, वक्त पर काम आएंगे। वो तो मैं ऐसी जगह रख दूंगा जहाँ से कोई भी ना ले सके, न रहे बांस और न बजे बांस। वकील साहब, आपके पास सिगरेट तो होंगे? शुक्रिया। लेकिन आप लोगों जैसा घमंडी या पाखंडी नहीं। ये लीजिए टिकड़े। आप लोग मेरे प्रेम को इन कागज के टुकड़ों से खरीद नहीं सकते। मैं गरीब हूँ लेकिन आप लोगों की तरह नीच नहीं। और आप भी कान खोल कर सुन लीजिए वकील साहब, मेरे मरने पर इन रुपयों से मेरी समाधि बनवा देना और उस पर लिखवा देना कि प्रेम के सामने सारी दुनिया का खजाना भी मिट्टी है। प्रेम की कीमत धन दौलत नहीं बल्कि एक अमर आशा भरी जिंदगी। स्वामी के घर जा रही हूँ। तुम्हारा घर ये है? औरत का घर उसका ससुराल होता है। तुम वहाँ नहीं जा सकती। आप तो क्या मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं उसे अभी करता कराता हूँ। आपको जो कुछ करना है कीजिए, स्वागत कीजिए। पुलिस स्टेशन, गिव मी क्राइम ब्रांच नंबर 1 प्लीज। हेलो, मैं सरकारी वकील बोल रहा हूँ। मिस्टर मेहता, वो जेल से भागा हुआ कैदी मिस्टर योगेंद्र अस्पताल रोड के ऊपर 2 मंजिल बिल्डिंग में छुपा हुआ है। हाँ, पीली वाली। दैट्स ऑल राइट, थैंक यू। पिताजी, आपने जो कुछ करना था कर लिया। औलाद की खुशी देखने वाले पिता बहुत देखे थे, लेकिन औलाद को बर्बाद करने वाला पिता भी देख लिया। मैं जा रहा हूँ। कहाँ?
इतनी जल्दी नहीं। क्यों चाहे? हाथ कड़ी। हाथ कड़ी? पुलिस तुझे पकड़ने आई है और तूने मुझसे छुपाया। नहीं, मैं मेरे बच्चे को नहीं जाने दूँगी। मैं मेरे बच्चे को नहीं जाने दूँगी। नहीं, मैं मेरे बच्चे को नहीं जाने दूँगी। बोलो बोलो रे भगवान, बोलो बोलो रे,
बोलो बोलो रे। कुछ बोलने की जरूरत नहीं योर ऑनर। ऐसे संगीन मुजरिम का जेल से भागना और इस तरह आजादी के साथ करना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर इस तरह के छुपे रुस्तम समाज में बेफिक्री से फिरते रहे तो कौन मानेगा कानून को, कौन मानेगा इंसाफ को, कौन मानेगा सरकार को? एक खून का मुजरिम जेल से भाग कर क्या नहीं कर सकता? ये सोच करके वो फिर जेल से भाग जाएगा और डाका डाल सकता है, वो किसी का खून कर सकता है। मुजरिम के डिफेंस के लिए कोई गवाह नहीं है, लिहाजा मैं अदालत से अपील करूंगा कि मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इससे पहले हम कुछ मुजरिम से पूछना चाहते हैं। मिस्टर योगेन, तुम्हें कुछ कहना है? जज साहब, मैं बेकसूर हूं लेकिन इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं। तुम्हारा कोई वकील है? मेरी तरफ से आवाज उठाने के लिए कौन तैयार हो सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं हूं मुजरिम का वकील। योर ऑनर, अदालत के आदेश से मैं मुजरिम की पैरवी करूंगा। आप? क्या मेरे मोहतरम दोस्त को मुजरिम ने अपना वकील मुकर्रर किया है? योर ऑनर, मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और अदालत के आदेश से मैं अदालत के दोस्त से आया हूँ सिर्फ ये पूछने क्या एक नौजवान की जिंदगी छीन ली जाएगी। छीन लेना था जो उनको मेरा, उन्हें बनाया क्यों? छीन लेना था जो उनको मेरा, उन्हें बनाया क्यों? बोलो प्यार मिटाने वाले, बोलो प्यार मिटाने वाले, तूने प्यार सिखाया क्यों? बोलो बोलो रे भगवान, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे भगवान, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे। बोलिए मिस्टर योगी, तुम चंदोमल की दुकान पर किस लिए गए थे? उधार मांगने। क्यों? मेरी माँ को टीबी की बीमारी थी, दवा के लिए पैसे नहीं थे। तुमने नौकरी क्यों नहीं की? जगह जगह नौकरी के लिए ठोकरें खाई, लोगों ने कहा नौकरी नहीं है, भीख मांगो। फिर मैं सेठ चंदूमल की दुकान पर उधार मांगने गया। उधार मिला? नहीं। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा यहां रुपया नहीं मिलेगा, मरने दो अपनी मां को, नहीं तो लूट मार करो, टाका डालो। फिर क्या हुआ? सेठ के पास बहुत सा रुपया था, मैंने सिर्फ 50 रुपए छीन लिए। योर ऑनर, सुना आपने, अगर मुजरिम पेशावर डाकू होता तो बाकी के रुपए क्यों छोड़ देता? सेठ का खून कैसे हुआ? मैंने रुपया छीनने की कोशिश की, सेठ डाकू डाकू पुकारता बाहर भागा और मोटर के नीचे आ गया। योर ऑनर, एक्सीडेंट का एक बहाना है, सेठ जी का खून मुजरिम ने जानबूझकर किया है। सेठ चंदूमल की मौत मोटर के नीचे हुई है, लेकिन मोटर वाले ने यह भी ना सोचा कि उसने चंदूमल के साथ एक नौजवान की जिंदगी खत्म कर डाली है। अदालत में ये सब बातें आप सुन चुके हैं, मुलजिम पर जेल से भागने का इल्जाम है, इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। सजा सजा सजा, हाँ इसे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसका जुर्म गरीबी है। योर ऑनर, आप किस किस को सजा देंगे? इस मुल्क में एक ही योगेंद्र नहीं है, लाखों योगेंद्र। बेकारी का शिकार योगेंद्र, झोपड़ों में रहने वाला योगेंद्र, उन सबको सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि वो हमसे पूछते हैं महलों के सामने झोपड़े क्यों हैं? अमीर के कुत्ते को दूध मिलता है लेकिन एक बेवा का बच्चा भूखों मर रहा है। धनवान अपने मोटापे का इलाज करवा रहा है लेकिन एक शरीफ औरत एक रोटी के लिए अपनी इज्जत बेच रही है। मेरे मुहतरम दोस्त, आप इन बातों से योगेंद्र की हमदर्दी नहीं जीत सकते, योगेंद्र मुजरिम ही रहेगा। मुजरिम? आप जानना चाहते हैं मुजरिम कौन है? मुजरिम वो है जिन्होंने समाज बनाई, मुजरिम आप हैं, मुजरिम मैं हूं, मुजरिम हम सब हैं। योर ऑनर, योगेंद्र ने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की पूंजी सब खत्म करके नौकरी की तलाश पर निकला और उसे भीख तक नहीं मिली। मुजरिम कौन है? योगेंद्र है। योर ऑनर, योगेंद्र की माँ टीबी से मर रही है और उसे कोई सहारा नहीं देता, उसके आंसू कोई नहीं देखता, वो मदद मांगता है और उससे कहा जाता है कि भीख मांगो, वो अपनी झोली फैलाता है और उससे कहा जाता है कि डाका डालो। मुल्जिम कौन है? योगेंद्र की आप? समाज इसकी चोरी की जवाबदार नहीं है योर ऑनर। तो और कौन है? योर ऑनर, योगेंद्र को चोरी से बचाने के लिए 50 रुपए नहीं दिए और आज चोर साबित करने के लिए 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं। इन बातों का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है योर ऑनर। योर ऑनर, क्या हम इस नौजवान के जिंदगी खिलौना समझते हैं? तेरे लिए इंसान खिलौना, खेलो खेलो खेलो, तेरे लिए इंसान खिलौना, खेलो खेलो खेलो, माला ये है दिल के टुकड़े, माला
बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे भगवान, बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे। क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ, अगर आपकी प्यारी माँ मौत के बिस्तर पड़ी होती, आपके सामने गरीबी होती, अंधेरा होता और लोगों के ताने होते, आप उस वक्त क्या करते? मैं बताऊं आप क्या करते? योर ऑनर, आपकी बहस कानून से कोई वास्ता नहीं रखती। तो क्या सवाली नाव में जाएगा? आज तेरे दरबार में दाता हम हैं खड़े सवाली, हम हैं खड़े सवाली। आज तेरे दरबार में दाता हम हैं खड़े सवाली, हम हैं खड़े सवाली। मालूम होता है मेरी झोली खाली रहेगी। सेठ चंदूमल की मौत मोटर के नीचे हुई, लेकिन मैं कोई खास सबूत पेश न कर सका। मुझे अफसोस है मैं इस नौजवान को न बचा सका। हो सकता है इसकी होने वाली दुल्हन इसकी राह देख रही होगी और इसकी मां रोती ही आंखों से इसका इंतजार कर रही होगी। योर ऑनर, मुल्जिम योगेंद्र को आप जितनी सजा देना चाहते हैं दे दीजिए। सजा योगेंद्र को नहीं, मुझे मिलनी चाहिए योर ऑनर। जिस गाड़ी के नीचे आकर सेठ चंदूमल की मौत हुई उस गाड़ी का मालिक मैं हूं। आप? जी हाँ, मैं अपनी जान बचाने के लिए अब तक खामोश रहा। ये मेरी बुजदिली थी योर ऑनर, ये मेरी बुजदिली थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ताकत कह रही है इस नौजवान को बचा लो, उस नौजवान को बचा लो योर ऑनर। आप अपना जुर्म कबूल करते हैं? जी हाँ। आपने सुना योर ऑनर, मैं बुढ़ा हूँ, कितने दिन जीऊंगा? मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, मैं जिंदगी को पीछे छोड़कर आया हूँ और इस नौजवान के सामने जिंदगी है। मुझे जो भी सजा दी जाएगी मैं खुशी से कबूल करूंगा। अगर तुम मुकदमा शुरू होने से पहले ये बयान दे देते तो मैं तुम्हें जूरी से निकाल देता। अब इस जूरी को बर्खास्त करके मुझे नई जूरी कायम करनी होगी। योर ऑनर, जूरी के इस मेंबर के बयान से साबित है कि जो खून का मुकदमा मुझसे पर चलाया गया था वो नाइंसाफी थी। लेकिन योर ऑनर, चोरी और जेल से भागने का इल्जाम इस पर अभी तक है। योर ऑनर, जो सजा मुझसे भुगत चुका है क्या वो काफी नहीं है? और क्या आप इसकी माफी के लिए सरकार से दरख्वास्त नहीं कर सकते? और क्या मेरे काबिल दोस्त इस नौजवान की जिंदगी बचाने के लिए मदद ना करेंगे? इसके लिए कोशिश हो सकती है योर ऑनर। योर ऑनर, अगर आप इजाजत हो तो मुल्जिम फिर जेल में जाने से पेश कर अपनी बीमार मां से मिलने। कोई एतराज नहीं, अगर आप मुल्जिम की जिम्मेदारी लें कि वो भाग न जाए और मिलने के बाद फिर जेल में जाए। योर ऑनर, मैं तो जिम्मेदार हूँ। थैंक यू। साधना, योगिन, साधना, योगिन, पिताजी ने मुझे बचाया। पिताजी ने? कौन? बेटा? माँ? मेरा बच्चा। बेटी, बेटी, मुझे उम्मीद है योगेंद्र को सरकार माफ कर देगी। बेटी, मैं दुश्मन तुम्हारा कभी नहीं था। मैं तो तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है नहीं। मैंने तुम्हें रास्ते मुसीबत खड़ी की, छाया बनकर तुम्हारी बातें सुनी, लेकिन तुम दोनों परीक्षा में कामयाब हुए।
फिर धर्मदास की आवाज। बेटा फिर धर्मदास ने मेरी मदद की, तुम्हीं के कारण मैं जीता हूँ। बहन बातों को छोड़ो, आओ बेटे, आप चलो बेटा। ईश्वर तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। रसिकलाल, ओ रसिकलाल जी, ये LLB फेल और प्रेम की परीक्षा में भी फेल। ये वक्त मजाक करने का, किसी का दिल चलता है तो मजाक करती। अब तुम रानी और मेरा राजा।